बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली थ्री लेयर सेमी कंडक्टर डिवाइस है, जिसके तीन टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। उसकी जो डायग्राम है किस तरह से होती है, एक पी रीजन, या की जो डायग्राम इस तरह से भी हो सकती है एन पी। ट्रांजिस्टर हमारे पास बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक एफईटी ट्रांजिस्टर होते हैं और दूसरे हमारे पास बीजेटी ट्रांजिस्टर। जो एफईटी है इनको कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जबकि जो हमारे पास बीजेटी हैं ये इनको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हमने जो पढ़ने हैं वो हमारे पास है बीजेटीज है, ये दोनों बीजेटीज है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऐसे ट्रांजिस्टर्स जिनके दो पोल होते हैं, पोल या इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोई पोल नहीं है। हाँ, इसमें टर्मिनल तीन होते हैं, एक दो तीन टर्मिनल है। अब हमने जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं इनको दो किस्में इनकी बनाई है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, पी एन और टी, एनपी और एन। बेसिकली ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, ये दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक मिलाने से हमारे पास ट्रांजिस्टर बनते हैं बाय कंबाइनिंग टू बैक टू बैक पीएन जंक्शन। ये हमने दो पीएन जंक्शन दिए, उनको हमने मिला दिया तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर बन गया। या हम इसको ऐसे करते हैं कि इफ एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल, हमारे पास बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और अगर इफ पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल, तो हमारे पास बनता है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर बनता है। अब ये हमारे पास पी मटेरियल, इसको हमने सैंडविच किया दो एन टाइप मटेरियल्स में, तो ये हमारे पास एन पी एन बन गया। ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल, इसको हमने सैंडविच किया बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल, तो हमारे पास है ये पी एन पी ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर हमने दो मार्का दो किस्में के ट्रांजिस्टर, एक एफईटी ट्रांजिस्टर है और दूसरा बीजेटी ट्रांजिस्टर है। एफईटी हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं जो हमारे इसका सिलेबस का हिस्सा है। इसमें हमारे पास दो तरह के टर्म होते हैं ट्रांजिस्टर, दो किस्म के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर एन टाइप मटीरियल को हम दो पी टाइप सब्सटेंस के दो पी टाइप मटीरियल के दरमियान सैंडविच करते हैं तो वो हमारे पास पीएनपी बन जाता है, और अगर पी टाइप मटीरियल को हम दो एन टाइप ऑफ मटीरियल के दरमियान सैंडविच कर दें तुम्हारे पास एन पी एन बन जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हम ट्रांजिस्टर्स के पार्ट्स की बात करें, ये इसको हमने पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, लेकिन इनके कुछ नाम्स हैं, नेम्स हैं, वो कैसे हैं कि जो हमारे पास पी रीजन है, जो पहला रीजन, इसको हम इमीटर बोलते हैं, इमीटर। जो सेंट्रल रीजन है इसको हम बेस बोलते हैं, बेस रीजन। और जो थर्ड रीजन है इसको हम कलेक्टर बोलते हैं। इसी तरह एनपीएल के भी पहला जो रीजन होगा उसको इमीटर बोलेंगे, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सेंट्रल रीजन है काव एन है या पी है, जो भी है, उसको हम बेस बोलते हैं और उसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो थर्ड रीजन है उसको हम कलेक्टर बोलते हैं और उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास ये है कि जो हमारे पास इमीटर रीजन है, इमीटर रीजन जो है वो हैवीली डॉग होता है, वो हैवीली डॉग होता है एज कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर। जो बेस रीजन है वो हमारे पास लाइटली डॉग होता है और थिन मटीरियल होता है, थिन लेयर होती है जो भी बेस मटीरियल होता है। तो थर्ड रीजन हमारे पास एंड, जिसको हम कलेक्टर रीजन बोलते हैं, ये मॉडरेटली डॉग होता है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो एज कंपेयर टू बेस एंड इमीटर्स की ज्यादा होती है, वाइड होता है। इसको मैं अभी थोड़ा सा वाइड कर दूँ एज कंपेयर टू बोथ, और थोड़ा सा वाजह हमें पता लगता है कि ये इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा रीजन है। इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये हमारे तीन रीजन है। इमीटर रीजन हैवीली डोम, बेस रीजन लाइटली डोम, और कलेक्टर रीजन मॉडरेटली डोम। और ये तीनों नेम सेम एज इट इज, जैसे हमारे पास पी एन रीजन के अंदर है, पी एन रीजन में भी हमारे पास यही काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि एन हैवीली डोम का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा है। यहाँ पे एन 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 का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये पी है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार, क्योंकि लाइटली डोप्ड है। लाइटली डोप्ड है तो उसका मतलब यहाँ पे सेमी कंडक्टर है लेकिन अच्छा सेमी कंडक्टर नहीं है। ये दोबारा एन मटीरियल है, उसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं लेकिन मॉडरेटली डोप्ड है, ना हैवीली डोप्ड है ना लाइटली डोप्ड है। इसी तरह जो पी रीजन है, पी रीजन में होल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा मिकदार में है, लार्ज क्वान्टिटी में है। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन लाइटली डोप्ड, एन रीजन है कम मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी रीजन में होल्स हैं लेकिन मॉडरेटली डोप्ड है, कम होल्स हैं, ज्यादा होल्स नहीं। अगर मैं इनकी डायग्राम बनाऊँ सिंपल, अगर बनाऊँ तो सिंपल कुछ इस तरह से इसका बनता है। ये हमारा इमीटर, ये बेस, और ये हमारा कलेक्टर रीजन। ये ट्रांजिस्टर हमारे पास है एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर मैं पी एन पी की बनाना चाहूँ तो पी एन पी में सेम एज इट इज बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास फर्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस एरो का। ये हमारे पास P के N और ये P, ये PNP ट्रांजिस्टर है। अब कैसे पता लगा कि ये PNP और ये NPN है, ये मैं बताएगा, ये जो पॉइंटिंग इन है, जो एरो है, एरो का निशान, वो मैं बताएगा कि ये PNP है और इसका एरो का निशान नॉट पॉइंटिंग है, मतलब कि आउटवर्ड है, इनसाइड नहीं है, तो ये मैं बताएगा कि NPN है। ये याद करने का तरीका, इसको हम कह सकते हैं नॉट पॉइंटिंग इन, कि पॉइंटिंग इन नहीं, आउटसाइड है ये एरो का निशान, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और एरो हमेशा इमीटर पर होता है, कलेक्टर पर या बेस पर एरो नहीं होगा। इसी तरह हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में, पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में एरो हमारा इनवर्ड है, पॉइंटिंग इन इसको हम कह सकते हैं, और इमीटर के ऊपर ही एरो मौजूद होता है, उसके अलावा किसी भी ना बेस के ऊपर एरो होगा और ना ही
कलेक्टर के ऊपर है, एरो को दे दो, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बायसिंग रूल्स क्या हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बायसिंग रूल्स क्या हैं, किस तरह हमें किसी सर्किट के अंदर बायस करना है। किसी भी ट्रांजिस्टर को बायस करने के हमारे पास दो ही रूल्स हैं। एक रूल ये है कि हमेशा हमने तो इमीटर बेस जंक्शन होगा उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है, वो खाओ पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। और दूसरा हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन जो सा है इसको हमेशा हमने रिवर्स बायस रखना है दोनों केसेस में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में भी और पीएनपी के भी केस में। देख लेते हैं इमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस और साइकिल वन है कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। ट्रांजिस्टर के केस में डेफिनेटली हर ट्रांजिस्टर में दोनों किस्म के ट्रांजिस्टर में यही जोन से बायसिंग रूल अप्लाई जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये पी रीजन, ये एन रीजन और ये फिर पी रीजन, पी एन पी, इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं। सॉरी ये मीटर रीजन है, मीटर बेस और ये कलेक्टर। इमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, इसको हमने फॉरवर्ड बायस करना है तो फॉरवर्ड क्या होगा, ये पी है, ये मतलब कि यहाँ पे होल्स हैं तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल देना है, ये पॉजिटिव और देन ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये फिर फॉरवर्ड बायस बनता है। इसी तरह ये होल्स हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमने इसको रिवर्स बायस करने के लिए, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है हमारे पास रिवर्स बायस हुए हैं तो रिवर्स बायस के लिए हमने सी को पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे फिर दोबारा बैठ बैठेगा पॉजिटिव और यहाँ पे इंसान को वहाँ उसने मिला दी, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस केस में हमारा इमीटर और बेस, अगर हम इस जंक्शन की बात करें इमीटर बेस की तो हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टिव रखिए फॉरवर्ड बायस, और इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ तो ये हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस बनेगा। अगर मैं इसको डायग्राम में सिंबल को एडजस्ट करूँ यहाँ पे तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। पीएनपी ट्रांजिस्टर है हमारे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो एरो इसका इन्वर्ट होगा, आउटसाइड एरो नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट होगी। तो ये हमारा इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। अब इमीटर बेस मतलब फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। इसी तरह कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे पास है रिवर्स बायस होना चाहिए, रिवर्स बायस के केस में ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बना देंगे, नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये मीटर बेस फॉरवर्ड बायस कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होगा तब ही डायो ट्रांजिस्टर हमारा करंट को कंडक्ट करेगा, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करेगा।
अब देख लेते हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो किस तरह से हम बाइस कर सकते हैं। हमारे पास ट्रांजिस्टर्स को बाइसिंग करने के तीन तरीके, या तो वो कॉमन बेस होगा, या वो कॉमन एमिटर होगा, या वो कॉमन कलेक्टर होगा। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में हम बेस को कॉमन करेंगे, ट्रांजिस्टर्स के तीनों जो टर्मिनल है उसमें बेस को कॉमन करते हैं। कॉमन एमिटर में हम एमिटर को कॉमन करेंगे और कॉमन कलेक्टर में हम कलेक्टर को कॉमन करेंगे। क्योंकि सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे इस तरह बनेंगे, कॉमन बेस है PNP ट्रांजिस्टर, ये E है, ये C है, ये P है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसको मैंने फॉरवर्ड बायस बना दिया है, फॉरवर्ड बायस और कलेक्शन बेस हमारे पास है, ये रिवर्स बायस। और ये देखिए जो बेस है ये कॉमन है मीटर के साथ भी और इलेक्ट्रिक के साथ भी, तो ये हमारे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। इसी तरह अगर मैं कॉमन इमीटर बनाना चाहूं तो मैं इमीटर को कॉमन कर देता हूं। हमेशा एरो वाला रेड जोन है जिसके ऊपर एरो होगा वो हमारे पास इमीटर होगा। तो ये हमारे पास इमीटर, ये बेस और ये हमारे पास कलेक्टर है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसको फॉरवर्ड बायस किस तरह करेंगे? मीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स बायस होता है। मीटर हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हमेशा हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैठ के जोड़ देना है, जबकि बेस हमारे पास नेगेटिव है तो इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टर बेस को देखते हैं, तो कलेक्टर हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, और जो हमारे पास इमीटर है वो भी पॉजिटिव है तो उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ है जोड़ देना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमारे पास है कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर। इसी तरह कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर इधर हम सी ले आएंगे और इधर हम ई को ऊपर ले लेंगे, जिस तरह हमारे पास कॉमन